हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको ये जीजी प्लांट एक खूबसूरत से सेरेमिक पॉट में लगाकर दिखाऊंगी। इस प्लांट को मैंने आपसे पहले भी दिखाया है, इसको मैं नर्सरी से लाई थी और ये छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर में पॉट में लगा हुआ है। तो जीजी प्लांट तो बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। मैंने सोचा कि इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा दूं मैं इसको इस सेरेमिक पॉट में लगा के। ये देखिए, ये खूबसूरत सा सेरेमिक पॉट है मेरे पास, तो इसी में मैं आज ये जीजी प्लांट लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पॉट में मैं ऑलरेडी कुछ टूटे हुए गमले के मिट्टी के गमलों के टुकड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं ड्रेनेज होल को ठीक रखने के लिए, ताकि पानी अच्छे से बाहर निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रिपॉटिंग। तो मैं आपको पॉटिंग मिक्स दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने सैंड लिया है, ये कंस्ट्रक्शन वाला सैंड है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो सैंड मिलाने से मिट्टी जो है पोरस बन जाता है और रूट्स को बढ़ने में मदद मिलती है। और ये नॉर्मल सा गार्डन सॉइल लिया है मैंने। और ये देखिए, ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, बहुत अच्छी खाद होती है, ऑर्गेनिक होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये वर्मी कंपोस्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं इस प्लांट को इस पॉट से निकालूंगी। हल्के हाथों से मैं इसको निकालने वाली हूँ। ये देखिए, ये निकल आया है। नर्सरी वालों ने इसको कोकोपीट में लगा के रखा है। ये देखिए आप, ये सारे कोकोपीट हैं। और ये देखिए कितना अच्छा रूट है, कितना हेल्दी रूट है इस प्लांट का। देखिए आप, इसके रूट्स बहुत डेवलप हो गए हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम इसका पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये सैंड है, तो इसमें मैं गार्डन सॉइल ऐड करने वाली हूँ। और इस पॉटिंग मिक्स को मैं इस गमले में डाल दूंगी। अभी ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अभी इस प्लांट को मैं इसके बीच में इसे सेट कर दूंगी और चारों तरफ में इसमें सॉइल ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें पूरी मिट्टी भर दी है और मिट्टी को मैं हल्के हाथों से दबा दूंगी ताकि कोई एयर पॉकेट्स ना रहे। अभी वक्त है इसको अच्छे से वाटरिंग करने की। अभी मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दूंगी। हम जब कोई भी प्लांट लगाते हैं पहली बार नए से पॉट में, तो हमेशा हमें प्लांट को अच्छे से वाटरिंग करनी चाहिए ताकि ड्रेनेज होल से पानी अच्छे से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
अपने प्लांट्स का खूब सारा ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी गार्डनिंग।